संजीव गुप्ता है, मैं ग्लोबल एडवर्टाइजर्स का ओनर हूँ, डायरेक्टर हूँ। मेरी इंडस्ट्री में मुझे यानी ग्लोबल एडवर्टाइजर्स को 20 साल हो गए हैं और मेरे मोस्ट प्रोमिनेंट होल्डिंग्स हैं ऑल ओवर मुंबई, जिसमें अलग अलग फैसिलिटी हैं, पेमेंट फैसिलिटी है, बाटर है, स्पॉन्सरशिप्स है, इनफ्लिम है। क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं इसलिए मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है और हम न्यू कमर्स को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको स्पॉन्सर्स ला के देते हैं या इन फिल्म प्रमोशंस करते हैं, जिसकी वजह से ये अवार्ड मिला है। और मैं अभिषेक बच्चन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनने मुझे और मेरी इंडस्ट्री को, मेरी कंपनी को बहुत सपोर्ट किया है, और थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये रिकग्निशन मिलने के बाद एक टेंशन और आ जाती है कि हमें इससे और अच्छा करना है और आगे बढ़ना है, और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है हमारे कंधों पे कि भाई इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं और अच्छा करके दें, और उसको मेंटेन रखने के लिए हमें वर्किंग और वर्क हार्ड करना पड़ता है। देखिए जी, इसको मैं ऐसे लूँगा कि जो जितना मेहनत करेगा, अपने प्रोडक्ट को जितना शार्प करेगा, अपनी मार्केटिंग स्किल्स को जितना शार्प करेगा, उसको ही रिकग्निशन मिलता है, पहली चीज़। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री में इतनी कंपटीशन आ गई है, इतनी वास्ट मीडिया हो गया है ये, और इट इज़ अ कस्टमर्स मार्केट राइट नाउ, इट इज़ नॉट अ बायर्स मार्केट। कस्टमर आज बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत स्मार्ट है, ही नोज व्हाट ही वांट्स, सो यू कैन नॉट फूल अराउंड। इसलिए हमारी जितनी भी मीडिया टीम या सर्विसिंग क्लाइंट टीम है, उसको हमें एवरीडे पॉलिश करना पड़ता है कि बाबा हाउ टू डील विद द प्रोडक्ट, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट, एवरी मार्केट इज़ डिफरेंट, फॉर एवरी प्रोडक्ट देर इज़ अ डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट बजट्स, डिफरेंट, एंड इट्स एवरीडे चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री को आउटडोर चाहिए। आउटडोर इतना वास्ट एरिया हो गया है कि भाई एंड इट्स वेरी, देखिए ऑफकोर्स कोई भी चेंज आता है तो उसमें तकलीफ आती है, उसमें कोई ना कोई इनिशियल टीपिंग प्रॉब्लम आती है, वो हमें भी आई, 2 महीने हमें भी डीमोनेटाइजेशन और इसकी वजह से प्रॉब्लम आई, लेकिन आज की तारीख में सिस्टम्स बन रहे हैं और उसको अच्छा हम देख रहे हैं, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है और वो इम्प्रूवमेंट होएगा ही होएगा। कितने टाइम से आपको ये अवार्ड मिलता आ रहा है, अवार्ड डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में, कौन कौन से मार्केट में आपको? देखिए, अवार्ड तो मेरे डैडी के टाइम से मुझे मिलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि डैडी जब थे तो उनको क्वालिटी के लिए अवार्ड मिलते थे। आज जब ग्लोबल स्टार्ट किया तो हमें हर कैंपेन या हर अच्छे एग्जीक्यूशन, जैसे हमने गजनी फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन का हमने काम किया था, तो उनको क्योंकि हमने इतना अच्छी पैकेज एंड सर्विसिंग दी थी, उधर भी IPOs इंडस्ट्रीज में जितने भी IPOs आते थे, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन कैंपेन, बट वी यूज़ टू गिव इन ऑल इंडिया, खाली बॉम्बे में नहीं, ऑल इंडिया हम सर्विस करते थे, उसमें हमें अप्रिसिएशन मिला है। फिर जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं जिनके लॉन्चेस हुए, प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए, अभी जैसे अर्णव गोस्वामी जी का चैनल लॉन्च हुआ था रिपब्लिक, उसमें भी हमने उनको बॉम्बे में हेल्प की थी टू लॉन्च द चैनल, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। और ये एक और अप्रिसिएशन सबसे बड़ा जो है वो हमारी राधे गुरु माँ हैं, जिनके आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमारी कंपनी के ऊपर है। नो, आई डोंट थिंक सो, ये मीडिया की कॉन्ट्रोवर्सी है एंड शी इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। ये मीडिया अपना टाइम स्लॉट बेचने के लिए कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। क्योंकि मैंने अपनी राधे माँ, अपनी गुरु माँ मेरे घर पे 12 साल से रही हैं, उनने एक रुपया किसी से लिया नहीं आज तक, उनने अपने लिए एक प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, उनने अपने भक्तों को भक्ति करना सिखाया है और खुद भी भक्ति करते हैं और दूसरों से भी भक्ति कराते हैं। कितने चैरिटी वर्क चल रहे हैं आप लोग वो दिखाते नहीं हैं, और कोई उल्टी चीज़ें दिखाते हैं, उसके कोई मीनिंग नहीं है। Really easy in India, yes, it is becoming easy.
बिकॉज ऑफ दी न्यू टैलेंट सब कंप्यूटराइज हो रहा है और इंटरनेट पे सेवी हो रहे हैं, तो आउटडोर और इंटरनेट गोज हैंड इन ग्लोव. डू यू थिंक आर यू गेटिंग अ स्किल एम्प्लॉय इन योर कंपनी बिकॉज वी हैव सीन द एजुकेशन सेक्टर? यस दे आर. आज हमें चाय वाला मिलने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि गांव से आदमी आना बंद हो गए हैं और एवरीबडी यू नो दे हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग द टाइम. फॉर देम द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये लोग वेस्ट नहीं करते. फॉर मी माई कंपनी जितने 20 साल हो गए हैं आज ग्लोबल एडवर्टाइजर्स को, ये खाली मैं ही नहीं लेके गया हूँ, ये मेरे एम्प्लॉयज़ लेके गए हैं और उनका अगर साथ नहीं होता तो ये काम हो ही नहीं सकता. क्योंकि आज एक कस्टमर को सर्व करने में कम से कम 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर, तब जाके वो हमें सर्व करता है. तो मेरे लिए मेरा एम्प्लॉय जितने भी मेरे लिए काम कर रहे हैं, वेदर इट्स अ मीडिया प्लानर, वेदर इट्स अ एग्जीक्यूटर, वेदर इट्स अ क्लाइंट सर्विसिंग और वेदर इट इज़ यू नो अ चाय वाला, इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही नोज माई मार्केट वेरी वेल. आखिरी सवाल है, आपको जो रोल मॉडल बिजनेसमैन जी, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए मेरे टेन्योर में लगभग 20 साल हो गए हैं आउटडोर इंडस्ट्री में. 96 से मैंने ग्लोबल एडवर्टाइजर स्टार्ट किया था. उसके बीच में आज तक मुझे 6 रिसेशन आ चुके हैं, मार्केट अप्स एंड डाउन हो चुके हैं, लेकिन जब भी रिसेशन आया है मैंने अपने शूज़ को पॉलिश किया है, शार्प किया है मेरी नाइफ को, मेरे सर्विसेज, मेरे टीम वर्क और अलग अलग स्कीम्स निकाले हैं जिसमें मेरे कस्टमर को बेनिफिट हो. हमेशा एक मोटिव रखा है कि मेरे क्लाइंट, मेरा कस्टमर खुश होना चाहिए. अगर कस्टमर खुश है तो आप सर्वाइव कर जाएंगे. और यही मैं आगे की जनरेशन को बोलना चाहता हूँ, फोकस, कमिटमेंट एंड सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट क्वेश्चन, आप जितना भी आप बहुत बड़े देते हैं तो उसमें से कुछ आप पुअर नीडी लोगों के लिए कुछ देते हैं? ये लास्ट 15 साल से ही हम राधे माँ चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ये काम कर रहे हैं. हर 15 दिन में हमारे यहाँ सत्संग होता है जिसमें सब प्रकार के गरीब अमीर सब आते हैं और उनको फ्री लंगर दिया जाता है. प्लस देर आर मैनी थिंग्स, जैसे मेरे होर्डिंग्स हैं या मेरे बिलबोर्ड्स हैं, कभी भी कोई एनजीओ प्रोग्राम होता है या कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी वर्क कर रहा है उसको मैं हमेशा हमारा मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, उससे हम कुछ नहीं लेते. और भी कोई भी एनजीओ हो जो चैरिटी वर्क कर रहा हो देश के भलाई के लिए या सोसाइटी को देना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू माई इंडस्ट्री, टू माई कंपनी. उनको हम लाइफ लॉन्ग फ्री होर्डिंग्स देंगे. No issues. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.